फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जर्दा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे तरीके से जर्दा बनाइएगा तो आपका जर्दा जो है बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है सेला राइस, मैंने 1 कप लिया है। इसे मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। इसे गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो आप जब भी इस्तेमाल करिए जर्दा के लिए, तो जर्दा के लिए हमें गोल्डन राइस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। मैंने पानी को 4 कप ले लिया है। अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, किसी भी कलर का, येलो या फिर रेड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। अब मैं इसमें चावल को डाल दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने चावल को डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट रखना है पकने के लिए। ये देखिए चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको हाथ से दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब हमें इसके सारे पानी निकाल देना है। स्ट्रेनर से मैं सारे पानी निकाल दूंगी। अब मैंने गैस पर पैन रख दिया है। मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, नारियल चॉप किए हुए हल्का, काजू, छुहाड़े, किशमिश। अब इसे हल्का ही रोस्ट करना है। इसे अच्छी तरह से पकाना नहीं है, इसे हल्का रोस्ट करेंगे हम। ये देखिए, ये हल्का रोस्ट हो चुके हैं। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ। 10 से 12 लौंग है। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अब मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। हम जितना चावल लेंगे उतना ही शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 400 ग्राम के करीब चावल लिया था, तो मैंने शक्कर भी 400 ग्राम लिया है। अब हमें चावल का भी एक लेयर बिछा देना है। ये देखिए, इस तरह से फैलाकर। अब मैं इसमें जर्दे का पानी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने निकाला था 1/2 कप। आप चाहें तो नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसे ढक देना है। हमें इसे 10 से 12 मिनट तक के लिए कवर करके पका लेना है लो फ्लेम पे। हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चला लेंगे इसे बीच में ही, तो ये चावल हमारे अकड़ जाएंगे। ये देखिए, हमें इसे बीच में चेक करना है और इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। हमें इसे थोड़ी देर और कुक करना है, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हमारा जर्दा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसमें मावा ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जो मैंने रोस्ट किया था। ये देखिए, हमारा जर्दा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अब मैं इसमें रसगुल्ले और गुलाब जामुन से सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी, ये ऑप्शनल है। ये देखिए, अब मैं इसमें मावा कुछ ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए, हमारा जर्दा रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।